मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे टेक न्यूज 7 के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि उन्होंने अभी तक पबजी को इंडिया में लॉन्च करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं दी है। तो इससे साफ साफ यही आसार दिखते हैं कि अभी तक मार्च 21 तक या मार्च महीने के एंड से पहले पहले पबजी तो इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाली। और सेकंड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि व्हाट्सएप पे ऊपर कुछ मैसेज आ रहे हैं कि व्हाट्सएप मैसेज जो है वो और WFH जॉब जो है वो आपको दे रहा है। तो वो जो भी मैसेज आ रहे हैं वो सब फेक हैं और उसमें कुछ ऐसा था 3,000 पर डे सैलरी। तो प्लीज़ उन सब चक्करों में मत आइएगा जिससे आपके कुछ पैसे या टाइम वेस्ट हो। थर्ड न्यूज़ निकल कर आ रही है, डेल XPS 13 जो है इंडिया में लॉन्च हो गया है। डेल का लैपटॉप डेल XPS 13 इंडिया में लॉन्च हो गया है और उसकी डिस्प्ले है वो 4K डिस्प्ले है विद 11th जनरेशन का इंटेल टाइगर लेक CPUs के साथ और बहुत सारी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। और इसका प्राइस है 1,50,990 रुपीज़। और फोर्थ न्यूज़ है, सकल कैंडी ने अपना जो है ANC हेडफोन इंडिया में अनाउंस कर दिया है जिसका प्राइस है 10,999 रुपीज़। और नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है ब्राउज़र एक्सटेंशंस की। जो अपने गूगल चर्म में, ध्यान से सुनिएगा, गूगल क्रोम में अपने या चर्म जो भी आप बोलते हो उसमें अपने जो भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है, और जैसे कि वीडियो डाउनलोडर से रिलेटेड या फेसबुक से वीडियो डाउनलोडर से रिलेटेड या इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोडर से रिलेटेड, तो प्लीज़ उनको जल्दी से हटा दीजिए। बिकॉज़ न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि उनमें जो एक्सटेंशंस जो हैं वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई हैं जिससे वो आपका डाटा जो है चोरी कर सकती हैं। चलिए टेक केयर। और नेक्स्ट न्यूज़ है, एप्पल टीवी जो है अभी गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी के डिवाइस भी जल्दी ही लाने वाला है और वो उन सभी प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध होगा लाइक अमेजोन फायर टीवी स्टिक एंड अमेजोन सिटीजन और स्मार्ट टेलीविजन्स। तो जल्दी मतलब गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी से टाई अप करने जा रहा है एप्पल टीवी। और नेक्स्ट न्यूज़ है कि नेटफ्लिक्स जो है वो एंड्रॉयड यूज़र के लिए एक स्पेशल नया फीचर लेकर आया है जो सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए है कि वो अभी ऑडियो ओनली का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें किसी देखना नहीं है, जस्ट उन्हें सुनना है। तो यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन भी उपलब्ध है अभी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। और नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि व्हाट्सएप ऐप जो है वो जल्द ही अपने अपग्रेड करके उसका अपने में लेटेस्ट बेटा अपडेट्स में जो व्हाट्सएप ऐप यूज़ करते हैं PC पर उसमें वीडियो कॉल का और वॉइस कॉल का फीचर जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। और उससे नेक्स्ट न्यूज़ है, हेड ऑफ इंस्टाग्राम ये कहते हैं कि उनके लिए प्राइवेसी जो है लोगों की वो मैटर तो करती है लेकिन उससे पहले उनके लिए बिजनेस आता है। समझे आप लोग? समझे? देख लो ये और रहता है फिर भी कोई इंस्टाग्राम छोड़ो। और नेक्स्ट न्यूज़ है, फेसबुक स्लैम्स एप्पल फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी टू एड ट्रैकिंग। एड ट्रैकिंग में झांकने के लिए फेसबुक ने एप्पल को स्लैम किया है, मतलब कहता है इसे ऑलवेज गुड फॉर बिजनेस। फेसबुक एंड एप्पल आर फाइटिंग ओवर हाउ आईफोन यूजर आर ट्रैक्ड बाय एप्स। एप्पल इज आस्किंग कंपनीज टू टेल यूजर्स अबाउट ट्रैकिंग एंड दैट यूजर मस्ट कीप कॉन्टैक्ट। फेसबुक सेइंग इट इज अ बैड फॉर बिजनेस। सही नहीं होगा। तो अभी फेसबुक और एप्पल जो है आमने सामने है, ये न्यूज़ थी समझ लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ट्विटर और फेसबुक ने जो भी फॉल्स क्लेम्स किए गए थे COVID-19 वैक्सीन्स को लेकर ट्विटर और फेसबुक के ऊपर, उन्होंने वो सभी रिमूव कर दिए हैं फॉल्स क्लेम जो भी थे। तो चलिए गाइस आज की न्यूज़ में इतना ही। और ये न्यूज़ थी 18 दिसंबर 2020 तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारी कमियों को प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उन्हें नेक्स्ट टाइम सही कर सकें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।